हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल टेक टिप्स हिस्ट्री पे। फ्रेंड, जिन लोगों ने भी ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, उन लोगों के लिए खबर आई थी कि 7 तारीख को उनका यह पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम का सेंटर उनका कहाँ पर है और एग्ज़ाम का शिफ्ट क्या है और एग्ज़ाम का डेट क्या है, कितने तारीख को उनका एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, ये 7 तारीख को आने वाला था पर यह किसी कारण से नहीं आ पाया है। बहुत सारे फ्रेंड लोग वेट कर रहे हो कि 7 तारीख को क्यों नहीं आया। बहुत सारे फ्रेंड लोग सर्च कर रहे थे, बहुत सारे फ्रेंड लोग पूछे भी कि हाँ 7 तारीख को क्यों नहीं आया, क्या हुआ। सारे दिन वो लोग लगे रहे ये जानने के लिए, बहुत एक्साइटेड थे कि मेरा एग्ज़ाम का सिटी कहाँ पर दिया है और डेट क्या है और मेरा शिफ्ट क्या है। लेकिन 7 तारीख को यह नहीं आ पाया और दोस्तों ये 8 तारीख को भी नहीं आ पाया। लेकिन इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए दोस्तों, ये 9 तारीख को आने वाला है। मीन्स 9 तारीख को आप जान सकोगे कि आपका एग्ज़ाम का सिटी सेंटर क्या है और शिफ्ट क्या है। मीन्स 9 तारीख यानी कि संडे के दिन, यानी कि कल के ही दिन दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन आप बिल्कुल जान सकोगे कि एग्ज़ाम का सिटी सेंटर क्या है। मैं आपको बता देता हूँ यह चीज़ कहाँ से आई इन्फॉर्मेशन। देखिए आप, ये इंडियन एक्सप्रेस जो होती जो वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर ये चीज़ का इन्फॉर्मेशन आया है। ग्रुप डी देखिए, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है ग्रुप डी के रिगार्डिंग जो एग्ज़ाम सिटी डेट और शिफ्ट का जो इन्फॉर्मेशन देना था, वह अब 9 सितंबर को दिया जाएगा। 9 सितंबर को यह दिया जाएगा और 10 सितंबर को जो मॉक टेस्ट का जो लिंक है वह एक्टिव हो जाएगा, ये जो rrbcdg.gov.in वेबसाइट पे। ओके फ्रेंड, तो दोस्तों इंतजार की खरी खत्म हो, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। कल बिल्कुल ही आप जाकर वेबसाइट पर आप जाकर चेक कर लोगे, चेक कर लेना कि हाँ कैसे कि आपका सेंटर कहाँ पर है और कितने तारीख को आपका एग्ज़ाम है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही क्लियरली लिखा हुआ है यह एग्ज़ाम। आपको मैं फिर से एक बता दूँ, वैसे आपको पता ही होगा कि 17 तारीख से ग्रुप डी का एग्ज़ाम चालू होने वाला है, जो कि अलग अलग डेट पर होगा, लेकिन स्टार्टिंग जो है वो 17 सेप्टेम्बर से है। और एक बार फिर से बता दूँ कि मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो 10 सेप्टेम्बर से चालू हो जाएगा, यानी कि परसों के दिन से। ओके फ्रेंड, जो और हाँ एक और चीज़ मैं बता दूँ कि दो यहाँ पे देखिए क्लियर लिखा है, दोज हु सक्सेसफुली क्वालिफाई द टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर पीटी और स्टेट। मीन्स ये जो ये लेवल वन का जो एग्ज़ाम है, जिस जो जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे उनको ही स्टेज टू यानी कि पीटी एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा और यह उम्मीद करता हूँ कि आप कल के दिन 9 तारीख को आप चेक कर लोगे अपना सेंटर, और चेक करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना कि आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा है और आपका शिफ्ट क्या है, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन कैसे करना है ये चीज़ मैं बता सकूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।